नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरनाई भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी? विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी। गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार? आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार? देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ आरनाई भारत पर। मीनापुर प्रखंड के पानापुर पंचायत के वर्तमान मुखिया कैंडिडेट किरण देवी के देवर विपिन पासवान से जब हमारे संवाददाता आनंद कुमार ने विकास के मुद्दों पर बात की तो उन्होंने कहा कि जनता ने मुझे समर्थन दिया है, मैं खुद से इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूं। मुखिया देवर विपिन पासवान ने कहा कि जनता से मेरी अपील है कि जनता मुझे इस बार सेवा करने का मौका दे। जनता मुझे एक बार भारी बहुमत से विजयी कराएगी। मुझे जनता पर 100% भरोसा है कि जनता समाज की सेवा करने का मौका देगी। मुखिया कैंडिडेट देवर विपिन पासवान जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है मैं उसको खत्म करूंगा। विपिन पासवान ने यह भी कहा कि विकास के मुद्दों में मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र में छोटा हॉस्पिटल बनवाना, इंदिरा आवास, शौचालय में पैसे लेकर जो पास किया जाता है मैं उसको बंद कर दूंगा और बिना घूस के इंदिरा आवास, शौचालय दिलवाने का काम करूंगा। विपिन पासवान ने यह भी कहा कि पानापुर पंचायत में सभी वार्डों में छोटे छोटे उद्योग लगाने का काम करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में जो भी काम नहीं हुए मैं उनको पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। मैं मुखिया कैंडिडेट किरण देवी और उनका देवर विपिन पासवान जी ने पानापुर पंचायत के सभी जनता गण से अपील की कि मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है जो क्रम संख्या 2 पर स्थित है। आप ढोलक छाप पर मोहर लगाकर हमें भारी बहुमत से विजयी कराएं। और इस पूरे मामले में मुखिया कैंडिडेट किरण देवी और देवर विपिन पासवान ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पद के लिए नामांकन दिए हैं और क्यों दिए? मुखिया पद के लिए नामांकन दिया है, श्रीमती किरण देवी हमारी बड़ी भाभी हैं, उनको मैंने प्रत्याशी बनाया है। क्यों मुखिया पद पे ही नामांकन क्यों दिए हैं, समिति में क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि पंचायती स्तरीय पंचायती राज जो जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसके तहत त्रिस्तरीय में हमारा ये रिजर्वेशन क्षेत्र है, अनुसूचित जाति रिजर्वेशन क्षेत्र है, इसलिए मैंने मुखिया पद को के लिए अपने भाभी को प्रत्याशी बनाया। जीतने के बाद आप पहला काम क्या करेंगे और जनता आप ही को वोट क्यों देगी? 8 प्रत्याशी है, 8 में से आप ही को वोट क्यों देगी? देखिए ये 8 प्रत्याशी हैं, ठीक है, सभी हमारे गांव के ही सम्मानित लोग हैं और सभी का मैं सम्मान करता हूँ और सभी को बहुत ही हमारी तरफ से शुभकामनाएं भी मैं दे रहा हूँ सभी प्रत्याशियों को, क्योंकि सभी हमारे पानापुर के ही हैं, पानापुर के वासी ही हैं, इसलिए हमारी तरफ से सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं। और जनता की अदालत में हम लोग सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता मालिक है। और उद्देश्य क्या है कि जो पहले आज से पहले से भी पंचायती राज चुकी चल रहा है हमारे यहाँ, और कुछ अलग हट के करने, समाज सेवा करने की भावना से मैं इस चुनाव में अपनी भाभी को प्रत्याशी बनाया हूँ। क्योंकि महिला सीट है तो महिलाओं को जो कानूनी प्रावधान के तहत जो आरक्षण प्राप्त हुआ है, सरकार ने जो दी है, उसी के तहत मैंने उनको उनका नामांकन कराया। और उद्देश्य यही है कि मतलब समाज में जो व्याप्त बहुत सारी कठिनाइयाँ, जिसे पहले जो भी जो मुखिया बने हैं उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जैसे काफ़ी चीज़ घूमने के बाद आज कहीं कहीं मैं भी घूमता हूँ, किसी किसी पंचायत में अच्छे काम हुए हैं, अच्छे मुखिया जी लोग काम किए हैं, कहीं भी कच्चा मकान, फूस का मकान नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मेरे पंचायत में दिखाई देता है। ये सोच करके, देख करके बड़ा ही दिल को चोट लगता है कि आखिर सभी जगह पक्के के मकान बनेगा लेकिन मेरे पंचायत में आखिर कौन बनाएगा, कौन करेगा? इनको मौका दिया गया, जो थे इससे पहले उनको भी मौका दिया गया, बट वो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इलेक्शन के समय सभी प्रतिनिधि अपने बड़े बड़े वादे करते हैं और वादे के बाद जब सीट पे बैठते हैं तो फिर वही स्थिति हो जाती है जो परंपरा से होते आ रही है। देखिए मेरा मानना है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना एक रोड मैप होता है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, अपना अपना अपनी अपनी सूझबूझ होती है। और मैं समझता हूँ कि मैं इससे पहले जो थे शायद उनको गाइडलाइन ऐसा नहीं मिला हो या उनको नहीं ना दिखाई दिया हो, न जाने किस वजह से कुछ योजना है, कुछ काम किया है,
बट अभी चुन दो तीन महीनों से कोविड सॉरी पिछले साल से कोविड और ये चुनाव की वजह से मेरा काम थोड़ा स्थगित हो गया। महिलाओं के लिए मैं घर 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 जा करके लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना करके भारत सरकार की ही एक संस्था है RCT जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका मैंने अभी अभी कुछ महीनों पहले मशरूम की ट्रेनिंग लगभग 40 महिलाओं को कराया है। आगे भी विभिन्न प्रकार की महिलाओं के से रिलेटेड जो रोजगार है उनको मैं कराने, जैसे सैनिटरी का बनाना, सैनिटरी जो होता है नैपकिन बनाना और काफ़ी तरह के पापड़ अचार बनाना, ये हर वार्ड में मेरा सपना है कि 15 वार्ड में मैं 15 कुछ ना कुछ MSME या RCT के माध्यम से कुछ ना कुछ छोटा छोटा उद्योग रोजगार उत्पन्न करने का रोजगार सृजन करने का कार्यक्रम करूँगा। जनता आप पर जितना विश्वास की हुई है उतने से आप कितना परसेंटेज कार्य पर उतरेंगे? हाँ, ये तो भविष्य की बात है, आपने पूछी। मेरा भरपूर कोशिश रहेगा कि मैं जनता की उम्मीदों पर 100% खड़ा उतरूं। जनता के सामने आप एक ऐसा कैंडिडेट बन गए हुए हैं जो दिल में है, कुछ लोगों के समझ में नहीं है, कुछ लोगों के समझ में है तो दिल में नहीं है, और कुछ लोगों को दिल में और समझ में दोनों है। आपके साथ कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं है, जनता का कहना है, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि एक बार केवल मौका विश्वास करें और मौका दें, हमें सेवा करने का मौका दो, अच्छा करूँगा इसका वादा मैंने अपने पूरी पानापुर की जनता से किया है कि पाना अपना मेरा नाम कोई ना ले, इस पानापुर का नाम को, इस पानापुर के इस धरती का नाम जो मेरा जन्म धरती है, जन्मभूमि है मेरी, उस पानापुर को हम कम से कम नहीं नेशनल लेवल पर, कम से कम स्टेट लेवल से तो कम से कम स्टार्ट करें, अवार्ड वार्ड और अच्छा मैसेज अपने पानापुर के बारे में मैं दिला पाऊँ, सम्मान दिला पाऊँ, यही उद्देश्य है। किस पंचायत से हैं आप? पानापुर पंचायत से ही हैं। अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम विपिन कुमार हुआ, विपिन कुमार पासवान। पिता के नाम जी का नाम हुआ स्वर्गीय महेश कुमार विद्यार्थी और घर पानापुर। कैंडिडेट का? कैंडिडेट हमारी श्रीमती भाभी है, श्रीमती किरण देवी। अपने ग्रामवासी को क्या कहना चाहेंगे? अपने ग्रामवासियों को मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक विश्वास करके एक मौका मुझे दे सेवा करने का और अच्छा काम करके दिखाऊंगा, यही वादा है। और लोगों की तरह मैं वोट लिया और मौसमी नेता की तरह आए और गए नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। और जिन्होंने इससे पहले भी जो कट्टाएँ थी वो कोई घर से नहीं पूरा किया जाता है, वो सरकार के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको तो ला के देना है, हम लोग तो एक कड़ी है, माध्यम है। जनता पर आपका कितना विश्वास है कि जनता आपको वोट देगी? भरपूर, चूँकि मेरा आज से नहीं काफ़ी पुराना राजनीतिक करियर रहा है मेरा, मैं सभी 20 लगभग 15 सालों से समाज के बीच में रहा हूँ और समाज सेवा करता रहा हूँ, इसलिए निस्वार्थ रूप से मैं समाज सेवा आज भी करता हूँ, आजीवन मैं करता रहूँगा। जीतने के बाद पहला काम आप पानापुर में अपने क्षेत्र में क्या करेंगे, पहला मुद्दा आपका क्या रहेगा? पहला मुद्दा एक है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल की भी कमी है काफ़ी जी, बहुत हॉस्पिटल की कमी है हमारे यहाँ, मैंने चिकित्सीय व्यवस्था थोड़ा बहुत ही डल है, कोशिश उससे करूँगा, सरकार से मैं मांग करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करूँगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करूँगा कि हमारे यहाँ एक छोटा सा ही सही 10-12 बेड का ही कम से कम एक छोटा सा ही अस्पताल दिया जाए। जो सामाजिक स्तर का जो भी काम होता है, यहाँ पे आरक्षित सीट है, महिला सीट है, और सामाजिक स्तर का जो भी पंचायत लेवल का जो काम, मुखिया कैंडिडेट जो लेडीज हैं वो लोग नहीं जाते हैं, उनका पति या फैमिली कोई जाते हैं, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे, आप जाएंगे या अपनी भाभी को भेजेंगे? नहीं, अक्सर सही बात है, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि आपने ये सवाल पूछा। अक्सर इससे पहले मैंने भी देखा है सभी जगहों पर जो महिला नहीं जाती है उसके पुरुष कमान संभालते हैं, बट ऐसा नहीं है, समय समय पर जो मुखिया महोदया है वो भी जाएंगी और उनके सहयोगी के रूप में मैं करूँगा, क्योंकि अनुभव उन्हें उनके पास नहीं है, इसलिए उनके सहयोग करने के लिए मैं खुद भी उनके साथ रहूँगा और मुखिया महोदया भी रहेंगी साथ में। अब मनरेगा एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसपे सभी प्रतिनिधि कहते हैं कि मनरेगा के फंड को हम दिलवाएंगे, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा का फंड बहुत ही अच्छी है, नो डाउट, इसमें बहुत ही अच्छी योजना है, लेकिन कुछ लोग इसको निहित स्वार्थ के लिए उठाते हैं, निहित स्वार्थ के लिए क्या योजना बना दिए हुए हैं,
अपना अपने निहित स्वार्थ के लिए इसका लाभ उठा रहा है। इसके भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं मनरेगा का सही उपयोग और सही जगह पर सही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा उससे हो पाए मनरेगा के तहत, इसलिए मैं मनरेगा का अच्छा और भरपूर इस्तेमाल करूंगा। मेरा एक मोटो भी है कि इस पूरे पंचायत में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण जो हुआ है सभी लोग 90% तो डेड ही हो गया है, 90% तो डेड हो गया है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरे पंचायत में अपने गोल्ड मोहर का पौधा जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत पानापुर कैंडिडेट हमारी श्रीमती भाभी है श्रीमती किरण देवी। अपने ग्रामवासी को क्या कहना चाहेंगे? अपने ग्रामवासियों को मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक विश्वास करके एक मौका मुझे दे सेवा करने का और अच्छा काम करके दिखाऊंगा, यही वादा है। और लोगों की तरह मैं वोट लिया और मौसमी नेता की तरह आए और गए नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। और जिन्होंने इससे पहले भी जो मुखिया जी रहे हैं जो काफ़ी कमियां जो ठीक से ढंग से नहीं जनता की या बात को या उनके उनके कार्यक्रम समस्याओं को सुना उन्होंने देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किया, वो मैं नहीं करूँगा। मुझे ग्रास रूट पर जीरो लेवल पर मुझे जाके काम करना है। यही अपने पानापुर की जनता से अपील करता हूँ कि एक सहयोग एक विश्वास भरोसा करके मुझे एक मौका देने की सेवा करने का मौका दिया जाए, यही विनती है हमारे पानापुर के समस्त ग्रामवासियों से। R9 भारत के लिए अंगद कुमार की रिपोर्ट, मीनापुर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। इस चुनावी मैदान में किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी, विकास के वादों को लेकर सब अजमा रहे अपनी बारी, गांव की जनता किसके हाथों सौंपेगी पंचायत की पतवार, आखिर अब की बार किसकी होगी गांव की सरकार। देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।